गुजरात से राज हमारे साथ हैं फोन पर। राज नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। जी मेरे हेलो मैं ऑडिबल जी 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 हाँ मेरे पास NMDC है, तकरीबन 410 जितने शेयर है मेरे पास और 119 के भाव से है मेरे पास। 119 के भाव से, ठीक है। NMDC, सौरभ जी आपसे व्यू चाहेंगे। आज तो हम देख रहे हैं कि वैसे मेटल वाला जो सेगमेंट है, मेटल माइनिंग एक ही सेगमेंट माना जाता है, NMDC भी उसका पार्ट है, वहाँ पर हम तेज़ी देख रहे हैं और चीन को लेकर थोड़ा आउटलुक बेहतर हो रहा है। निश्चित तौर पर चीन चूंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो ये मेटल कंपनी इसके लिए पॉजिटिव माना जाता है। NMDC आपको लगता है कि हालांकि इनके भाव से 10-12 रुपये नीचे है, इसमें निवेश बनाए रखें? देखिए, जहां तक मेटल के प्राइसेस हैं, मुझे लगता है कि वो काफी अच्छे नीचे आ गए थे, बॉटम आउट हो रहे हैं और के प्राइसेस ऊपर जाने लगे हैं। पिछले कुछ दिन पहले भी हमने खबर सुनी कि NMDC ने तकरीबन 200 रुपए टन के प्राइस अपवर्ड रिविजन किया है। तो जिस तरह से अगर प्राइस और ऊपर जाते हैं तो मुझे लगता है कि NMDC वापस ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। मेन बात ये देखने वाली है आयरन ओर प्राइसेस कैसे मूव कर रहे हैं, स्टॉक उसी दिशा में मूव करेगा। जहां तक ग्लोबल डिमांड की बात है, मुझे लगता है कि चाइना से मुकम्मल डिमांड, जो पूरी डिमांड है, उसको आने में तकरीबन 6 महीने लग जाएंगे। चाइना खुल तो जरूर रहा है लेकिन एक्टिविटी अभी पूरी जोरों पर नहीं आई है। हाउसिंग में अभी उतना दम नहीं है कि डिमांड एकदम से आ जाए और कहीं ना कहीं रिसेशन के बादल भी आए हुए हैं। तो इस NMDC जैसी कंपनी में आपको समय जरूर देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, आयरन ओर के प्राइसेस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी, कहीं अगर उसमें फॉल आता है तो आपको निकलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए होल्ड, ठीक है, फिलहाल के लिए इसको होल्ड करने की सलाह है। पंजाब से गगन हमारे साथ हैं। गगन जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर जी, मेरे पास दो शेयर हैं, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। एक तो है मेरे पास नवकार, नवकार कॉर्प, नवकार कॉर्पोरेशन जी, इसका 64,000 शेयर बाय किया हुआ है। और दूसरा है मेरे पास जुबिलेंट फूड। दूसरा कौन सा शेयर है आपके पास गगन जी? जुबिलेंट फूड, जुबिलेंट फूड है, ठीक है। जुबिलेंट फूड 175 है, 578 का भाव, 578 से 172 शेयर बाय है। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, आपके दोनों सवाल हमने सुन लिए। चलिए इस पर अपने एक्सपर्ट का व्यू लेते हैं। नितलेश, नौकार कॉर्प पे पहले राय दीजिए। 1000 की क्वांटिटी है 63 रुपए के भाव पर और हम देख रहे हैं कि 63 वाला जो शेयर है ये 48 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। आज हालांकि बड़ी तेजी है, शुरुआत थोड़ी सी कम सुस्त हुई थी लेकिन अब ये दिन के ऊपरी स्तर पर 7% की एक शानदार तेजी इसमें हम देख रहे हैं। हालांकि ये लगातार ये प्रेशर में था, आज की तेजी को क्या ट्रेंड रिवर्सल के तौर पर देखना सही रहेगा नितलेश, और आपका व्यू क्या है इस पर? जी, अगर हम लोग नौकर कॉर्पोरेशन के चार्ट को देखेंगे तो 43 से लेके 45 एक बेस बना चुका है काउंटर, और आज का जो तेजी वो थोड़ा सा इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो जब तक काउंटर 45 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इससे पोजीशंस को एग्जिट ना करें। और जुबिलेंट फूड की अगर बात अगर हम लोग कहते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 410 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा है जो रिसेंट में लो बना था, इसमें मैं कंटिन्यूअसली क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। इसका एक लेवल मैं दूंगा 460 का, ये अगर क्रॉस कर देता है तो आने वाले समय में 550 से लेके 560 ये लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों काउंटर के ऊपर मेरा व्यू जो होगा वो होल्ड का होगा, लेकिन जुबिलेंट फूड में 460 के ऊपर थोड़ा सा आप एवरेज बाइंग करके जा सकते हैं।